झारखंड की होनहार बेटी थी और जिस प्रकार से घटनाएं घटी है उससे पूरा झारखंड नहीं पूरा देश मर्माहत हुआ है। और ये राजनीतिक जो नेतृत्व है यहाँ का सत्ताधारी दल का, उसकी संवेदनहीनता इस पूरे प्रकरण में दिखी है। उस बच्ची के साथ अगर घटना के बाद तुरंत इलाज की उचित व्यवस्था होती तो वो हमारे बीच रहती, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के ये पुलिस प्रशासन का एक डीएसपी नूर मुस्तफा का रोल रहा, वहाँ के जिला पुलिस का रोल रहा, उसके कारण आज वो हमारे बीच नहीं है और ये घटना घटी है। सरकार मुख्यमंत्री को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो मतलब है अपनी सत्ता और कुर्सी को बचाने के लिए। परेशान है झारखंड की जनता, पूरी तरह आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी भी ने तय किया जब तक इस परिवार को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिनों से आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर रही है। आगे भी आंदोलन को हम तेज करेंगे। अरे उसको पार्टी से हम लोगों ने निलंबित कर दिया है। देखिए झारखंड में अकाल की स्थिति है, पानी बरसा नहीं हो पाने के कारण किसान परेशान है, खेती सूखी हुई है, अकाल की परिस्थिति पैदा हो गई है, उसकी चिंता नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था यहां ध्वस्त हो गया है, अंकिता बहन की मौत हो गई, हमारी कई बहनों के साथ तेजाब की घटना की गई, तेजाब डालने का काम किया, आज वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपने बड़े बड़े जहाज लेकर विधायकों के साथ आपने कहां मौज मस्ती करने का तय किया मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर छोटा सा विमान अंकिता को मिल जाता तो उसकी जान बच जाती, उसकी जान बच जाती।